हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, आई एम हियर अगेन यू विद अ न्यू सेशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आज हम क्या एक्साइटिंग बनाएंगे? आज हम बनाएंगे एक बुक मार्क। डू यू नो व्हाट इज अ बुक मार्क? सपोज करो आप एक बुक पढ़ रहे हो एंड योर पापा और माम कॉल्स यू एंड यू रश आउट एंड यू जस्ट फोल्ड द कॉर्नर ऑफ द बुक। आप बुक का कॉर्नर फोल्ड कर लेते हो, बट दैट इज नॉट करेक्ट वे। द करेक्ट वे इज वाइल यू हैव टू मार्क द बुक, जस्ट पुक बुक मार्क इन साइड दैट। तो आज हम सब बच्चे क्या सीखेंगे मिलकर? वी ऑल विल लर्न हाउ टू मेक एन इंटरेस्टिंग बुक मार्क। सो लेट्स बिगिन द फन। अच्छा, ये देखो क्या है, ये करेला, भिंडी, देन दिस लेमन, नींबू। यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि ये मेरी सब्जियां बुक मार्क्स में कहाँ ले आई हूँ। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि वी विल बी मेकिंग द बुक मार्क्स विद दीज वेजिटेबल्स। मुझे बताओ जरा, कितने बच्चे भिंडी खाते हैं और कितने बच्चे करेले खाते हैं? बहुत से बच्चे इसको लाइक नहीं करते, मुझे पता। जब मैं छोटी थी मैं भी नहीं खाती थी। पर चलो, आज हम इसको खाएंगे नहीं, आज हम इससे पेंटिंग बनाएंगे। हाउ इंटरेस्टिंग! सो लेट्स स्टार्ट द पेंटिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू विल टेक एनी वेजिटेबल। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यू कैन टेक भिंडी, यू कैन टेक करेला, यू कैन टेक दिस लेमन, लेमन ले सकते हो आप। जो भी जिस जिस वेजिटेबल के पास थोड़ा सा रफ टेक्सचर है, रफ सरफेस है, यू कैन इवन टेक अनियन। आप इसमें से कुछ भी वेजिटेबल, इवन पोटैटो। तो आज मैंने जो आपको डेमो देनी है वो है भिंडी और करेला, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई द कलर। आप कलर अप्लाई करने के लिए द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, सबसे पहले आप जो कलर लगाएंगे, अप्लाई द कलर विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। तो मैंने एक छोटा सा ये ब्रश लिया, ठीक है? इसके ऊपर मैंने कलर लगा। बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगाना है कलर। आप रंगीला कलर यूज कर सकते हो, पोस्टर कलर यूज कर सकते हो, एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, इट इज योर विश। और एक चीज को और ध्यान रखना है अप्लाई करने से पहले, ये सुन लो कि व्हेन यू विल कट, आप जब इसको कट करोगे ना लेडी फिंगर को, तो आप मामा की हेल्प ले लेना, ट्राई टू कट इट स्ट्रेट। नाइफ के साथ इसको सीधा कट करना है आपने, बिल्कुल सीधा। ये देखो, ये मेरे जो तू थोड़ी सी आपको स्मज लग रही है, वो स्मज इसलिए होगी मेरे से थोड़ा सा कलर ज्यादा अप्लाई हो गया था। सो ट्राई टू मेक अ नाइस बंच, थोड़ी क्लोज क्लोज लगाओ, जैसे फ्लावर्स का बंच होता है ना, नेचुरल फ्लावर्स का बंच। सो लाइक दैट। जितने देर हमारी भिंडी का प्रिंट इज गेटिंग ड्राइड, उतनी देर मैं आपको दूसरा बता देती हूँ। अदर वन आई एम मेकिंग इट विद द हेल्प ऑफ करेला। इससे हमारे छोटे छोटे फ्लावर्स बनेंगे। पर एक टिप और है, व्हेन यू आर अप्लाइंग द कलर, बहुत ज़्यादा आपने उसमें वाटर ऐड नहीं करना। ट्राई टू अवॉइड वाटर, बिकॉज कलर की जितनी कंसिस्टेंसी होती है दैट इज सफिशियंट। यू डोंट नीड टू मेक इट थिन, उसको पतला करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जब ये आपके लगे, अब मुझे अगर सपोज करो मुझे छोटी छोटी बर्ड्स ऐड करनी है, तो वॉट आई विल डू इज मैंने भिंडी का जो पीछे वाला पार्ट होता है, द स्मॉलर पार्ट, उसको कट किया, उससे छोटी छोटी बर्ड्स इसकी बन जाएंगी। एंड करेले का भी जो द थिनर पोर्शन होता है, आई हैव कट दैट एंड आई विल यूज दैट टू मेक द बर्ड्स। बर्ड्स कह सकते हो या स्मॉल फ्लावर्स कह सकते हो। ये देखो, मैंने रेड कलर यूज किया था, मैं रेड कलर से छोटी छोटी सी बर्ड्स बना दूंगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है बेटा आपके लिए, व्हेन यू आर यूजिंग दीज कलर्स, तो एक कलर का जो ब्रश है ना, उसको आपने दोबारा उसके अंदर नहीं डालना। जितना आपका क्लीन होगा ब्रश, आपके कलर्स विल नॉट गेट स्पॉइल्ड, अदरवाइज कलर्स आपके बहुत बैडली स्पॉइल्ड हो जाएंगे। कुछ स्मॉल फ्लावर्स आई हैव एडेड, सी, छोटा सा करेला का जो थिनर पोर्शन होता है, आई हैव यूज दैट। सिमिलरली
अब भिंडी के पीछे वाला जो पार्ट है, आई यूज दैट टू मेक वेरी स्मॉल फ्लावर्स. मेरे पास रेड कलर है अभी अवेलेबल, तो मैं रेड कलर के छोटे 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 स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स. मेरे पास येलो कलर है, मैं थोड़ा सा कुछ येलो कलर बीच में ऐड कर देती हूँ. ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है. कलर इज एब्सोल्युटली योर चॉइस. ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आप कौन सा कलर यूज करें. ओके थोड़ा सा येलो ऐड कर दूंगी मैं इसमें, सम येलो फ्लावर्स. ये हमारा बेसिकली, इसका हमने छोटा सा बेस रेडी कर दिया. ये देखो बहुत छोटी छोटी बड्स. ये मेरा जो थोड़ा सा फ्लावर स्मज हो गया था उसमें मैंने थोड़ा सा करेक्ट कर दिया. सीन माई प्रिंटिंग इज ड्राई, कलर इज ड्राई, कलर सूख गया है. तो आई एड स्मॉल लीव्स, छोटे छोटे लीव्स. इसके लिए आप 2 या 3 नंबर का राउंड ब्रश लो प्रेफरेबली. अगर आपको ब्रश से ब्रांचेस, ये सॉरी लीव्स या ये बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, यू कैन ऑलवेज यूज अ स्केच पेन और इवन मार्कर. स्केच पेन इज अ बेटर चॉइस बिकॉज स्केच पेन हैज गॉट अ दिस थिंग थिन स्ट्रोक. अच्छा, आपको मैंने ब्रश का जो टिप दिया था, आई मीन कि आपने एक कलर का ब्रश दूसरे कलर में नहीं डालना. आर यू गेटिंग मी? वैसे तो आप बिग क्लास हो और आपने कलर्स, रंगीला कलर्स कई बार स्कूल में यूज किए हैं. थोड़ा सा मेस मेसी कम होता है. जितना ऑर्गेनाइज काम करोगे उतना ही अच्छा काम होगा. सी दिस इज, दिस वन इज रेडी ऑन द अदर वन. आप छोटे से छोटा फ्लावर भी ऐड कर सकते हो. आप एक टेक्सचर के साथ दूसरा टेक्सचर भी ऐड कर सकते हो. जैसे करेले के टेक्सचर में सेंटर में आप, मैंने ये थोड़ा सा इम्प्रिंट जो दिया है दिख रहा है आपको, दैट आई हैव गिवन विद द भिंडी. सो ये जो टेक्निक है ना, इससे आप सिर्फ बुक मार्क नहीं, यू कैन मेक अ कार्ड ऑल्सो, यू कैन मेक अ एनी काइंड ऑफ डिजाइन, फाइल कवर द फाइल, डेकोरेट द फाइल, किसी को भी आप. और बुक मार्क इतना ब्यूटिफुल और छोटा सा गिफ्ट है ना, इतना इंटरेस्टिंग. मुझे तो बुक मार्क्स बनाने में वैसे ही बहुत मजा आता है. सी बुक मार्क इज रेडी मैंने. और इसके बाद आप आफ्टर कंप्लीटिंग द बुक मार्क, आप उसमें रिबन डाल सकते हो घर पे जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर उसमें आप यू कैन ऐड अ वूल और कुछ डोरी, एनीथिंग. सी आई हैव मेड 2 बुक मार्क्स फॉर यू पीपल. और मैंने इसको, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मिरर्स एंड स्मॉल बीड्स, तो मेरे पास थोड़े से घर में स्मॉल बीड्स और मिरर्स थे. इस पर मैंने मिरर्स लगाए हैं, इस पर मैंने छोटे छोटे बीड्स लगाए हैं. आप बटन्स भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आपका बुक मार्क है. सो आई होप यू ऑल हैड फन, आपको बहुत मज़ा आया होगा. और आप सब बच्चे घर पे अपने अपने लिए एक एक बुक मार्क ट्राई करेंगे, खुद बनाएंगे. एंड लव यू ऑल. ओके, बाय बाय किड्स.